हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी बाय दृष्टि वर्मा। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2017 का पेपर लीक हो गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। इसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये आप जो फोटो देख रहे हैं ना, यही पेपर लीक हुआ है। चलिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देती हूँ। देखिए, यूपीपीसीएस परीक्षा हिंदी की जगह बट गया निबंध का पेपर। हंगामे के बाद दोनों परीक्षाएं हुई निरस्त। तो ये इलाहाबाद टाइम्स का नवभारत टाइम्स है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रेस विज्ञप्ति, जनपद इलाहाबाद के एक परीक्षा केंद्र पर आज दिनांक 19/6/2018 को प्रथम पाली में त्रुटि व सामान्य हिंदी के स्थान पर निबंध का प्रवेश प्रश्न पत्र खोले जाने पर परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार किए जाने के कारण आज दोनों पालियों की परीक्षा को निरस्त किए जाने का आयोग का निर्णय लिया गया है। इन दोनों प्रश्न पत्रों पर पुनः परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। आगामी तिथियों की शेष परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही कराई जाएंगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी विद दृष्टि वर्मा। एंड इसमें मैं आपको ये बता दूं, इसकी ये पूरी न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मेंस परीक्षा में एक बार फिर हुई लापरवाही। इसकी जो लापरवाही है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मंगलवार को इलाहाबाद के एक सेंटर पर सुबह की पाली में छात्रों को हिंदी के पेपर की जगह निबंध का पेपर बांट दिया गया। अभ्यर्थियों के हंगामे और प्रदर्शन के बाद दोनों परीक्षा बाद में निरस्त कर दी गई। तो देखिए, दरअसल यूपीपीसीएस पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे और परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्थगित करने की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मंगलवार को इलाहाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी की बजाय निबंध का पेपर पहली पाली में बांट दिया गया, जिससे नाराज अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर निकला और नारेबाजी करने लगे। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए, अखिलेश यादव ने ऐसे सवाल उठाए। अभ्यर्थियों ने आयोग की परीक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग की तरफ से परीक्षा को लेकर लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। उन्होंने पहली पाली में हिंदी के पेपर की जगह निबंध का पेपर बांटे जाने का विरोध किया। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2017 मुख्य परीक्षा सोमवार 18 जून से शुरू हुई है। इसमें करीब 90% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। सोमवार को यह परीक्षा इलाहाबाद और लखनऊ के 28 केंद्रों में शुरू होगी। 7 जुलाई तक चलेगी। पहले दिन ही 1383 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे, तो ये भी देख लीजिए आप। बट ये है कि ये बहुत ही बैड न्यूज है और लगातार जो यूपीपीसीएस की तरफ से जो इतनी लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं उसकी, ये तो हद ही हो गई है। मतलब पेपर ही बदल के दे दिया। इतना तो पढ़े लिखे वहाँ के कॉलेज के इंटर या प्रोफेसर्स भी होते हैं कि उनको भी तो पता होता है कि पहले पेपर निबंध का है या क्या हिंदी का है। तो ये सारी लापरवाही आयोग की तरफ से ही हुई है। तो मुझे लगता है कि आगे के एग्जाम्स भी की डेट भी उनको बढ़ा के देनी चाहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिविल्स गैलेक्सी बाय दृष्टि वर्मा।